में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से सियासी हलचल तेज है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक के बाद सियासी गलियारों में बीजेपी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पुराना वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसमें वे केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर देते नजर आ रहे हैं। एक पुराने इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमजोर आदमी हैं। उन्होंने सपना तो देखा था सीएम बनने का, वे आज भी 100 विधायक ले आए तो हम उन्हें समर्थन दे देंगे। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण ले ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। अखिलेश यादव ने कहा उनका बहुत सपना है कि सीएम बने, उन्हें स्टूल पर बैठाया गया, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उनके साथ जाने क्या क्या हुआ, फिर भी वे बीजेपी के साथ बने हुए हैं। अगर उनका सपना है सीएम बनने का तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से, बिहार ने करके दिखाया है, वे भी यहां करके दिखाए। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 और 2019 जैसे प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई और इंडिया गठबंधन से कम सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद से हार के कारणों पर पार्टी में लगातार चर्चा हो रही है, बैठकों का दौर भी जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में सूबे में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वह अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में घसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाले भाजपा में कोई नहीं है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है, प्रदेश में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार डबल इंजन सरकार आएगी। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। ये कमजोर पड़ गए हैं कुर्सी की लड़ाई में, जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया।